हेलो दोस्तों बैंकिंग प्रो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज का जो पज़ल है वो आर आर बी क्लर्क लेवल का है जो इस तरह का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है आर आर बी क्लर्क लेवल का उसी लेवल में इस तरह का क्वेश्चन देखा गया है पिछले बार तो ये क्वेश्चन आ चुका है मतलब इसी तरह का क्वेश्चन आया है मेमोरी पेस्ट आप लोग बोल सकते हैं तो ये पजल जो सीरीज़ चल रहा है उसमें ये पजल नंबर ट्वेंटी टू है तो इस पज़ल से जुड़े रहिए आपको और भी पजल मिलते रहेंगे आगे तो चलिए आज का पजल हम लोग देखते हैं ये आर बी क्लर्क में जो है वो पूछा जा चुका है तो एट बिल्डिंग एट बिल्डिंग हैज़ एट फ्लोर फ्रॉम वन टू एट इन सच अ वे दैट ग्राउंड फ्लोर इज नंबर वन एंड द अब फ्लोर इज नंबर टू एंड सो ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर एट एट पर्सन एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड आर स्टाइंग वन ऑफ दिस फ्लोर एक्स इज देखिए यहाँ तक जनरल इंस्ट्रक्शन था हमको एक ही बार में यहाँ तक पढ़ लेना है ताकि दोबारा ये चीज़ हमको पढ़ने ना पड़े और यहाँ तक हम हम लोगों को एक ही बार में समझ में आ जाएगा कि क्या करना है टोटल एट फ्लोर हैं ठीक है टोटल एट फ्लोर हैं और फ्लोरिंग में क्या क्या नंबरिंग क्या हुआ है कि एट है सेवन है सिक्स है फाइव है इस तरह से ऐसे फ्लोर एट से लेकर वन तक है और जो टॉप पे है वो एट है और जो सबसे बॉटम पे होगा वो फ्लोर नंबर वन है तो इसको मैंने बना लिया है एक इस तरह से देखिए ये टॉप पे जो है वो एट है और जो बॉटम पे है वो वन है तो इस तरह से एट फ्लोर है और जो पर्सन दिए हुए हैं ये पर्सन के नाम है एस टी यू वी डब्ल्यू वाई एंड जेड तो ये एट पर्सन हमें अरेंज करना है कि वो फ्लोर में कैसे अरेंज होंगे तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो अब चलते हैं हम लोग मेन इंस्ट्रक्शन की ओर और, और जो भी पॉइंट है जो भी कंडीशन है उसको हम लोग अच्छे से नोट डाउन करेंगे एक्स इज़ स्टाइंग ऑन फ्लोर सिक्स तो सिक्स फ्लोर पे एक्स है स्टैंड करता है सिक्स पे तो ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है इसलिए हम उसको डायरेक्ट लिखेंगे कि एक्स जो है वो सिक्स वाले फ्लोर पे रहता है एक्स इज स्टाइंग ऑन द फ्लोर सिक्स तो सिक्स फ्लोर में एस एक्स ठीक है देर इज़ अ गैप ऑफ थ्री पर्सन बिटवीन एस एंड वी अब एस और वी के बीच में थ्री परसेंट का गैप है बट कहीं जिक्र नहीं है कि एस ऊपर होगा या वी ऊपर होगा ठीक है तो एस तीन छोड़ के वी नीचे हो सकता है वी तीन छोड़ कर नीचे एस हो सकता है तो वी और एस का जब क्लियर नहीं है डायरेक्शन तो इसको हम लोग नोट डाउन करेंगे कि एस तीन छोड़कर वी है ये तीन डॉट है ठीक है तो तीन डॉट छोड़कर वी है और वी और एस ऊपर और नीचे कहीं भी हो सकते हैं इसलिए मैंने ऐसे लिखा है ठीक है वर्टिकल ना लिखकर मैंने हॉरिजेंटल लिखा है इसका मतलब कोई भी कहीं हो सकता है ये अभी क्लियर नहीं है जेड इज स्टेइंग ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर देखिए क्लियर इंफॉर्मेशन है कि जेड कहाँ है टॉप मोस्ट पे तो टॉप मोस्ट पे तो फ्लोर नंबर एट है तो वहाँ हम लोग जेड को रखेंगे डब्ल्यू इज स्टेइंग इन द मिडिल ऑफ टी एंड यू टी एंड यू के मिडिल पे कौन है डब्ल्यू है अब देखिए यहाँ भी पता नहीं है कि टी ऊपर होगा डब्ल्यू इज स्टैंग इन दिडल ऑफ टी एन यू टी और यू के बीच में डब्ल्यू है तो टी और यू के बीच में डब्ल्यू है अब टी और यू का क्लियर नहीं है कि टी यू ऊपर होगा या डब्ल्यू टी ऊपर होगा या फिर यू ऊपर होगा तो ये अभी क्लियर नहीं है तो इसको भी हम लोग ऐसे लिखेंगे ठीक है तो और हम लोग आगे पढ़ेंगे वी इज अटैंग ऑन फ्लोर वन वी इज अस्टैंग ऑन फ्लोर वन तो ये तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि वी किस फ्लोर में है वन वाले फ्लोर पे है और वी से रिलेटेड देखिए दिया हुआ था वी तीन का गैप करके एस है तीन फ्लोर छोड़ कर क्या है एस है क्योंकि वी और एस के बीच में तीन फ्लोर है तो वन टू थ्री फ्लोर छोड़ के एस को हम फाइव पे रख सकते हैं तो ये देखिए एस फाइव पे आ गया यहाँ तीन फ्लोर का गैप है ठीक है तो इस तरह से ये कंडीशन फिर मेरा बन गया तो इसको थोड़ा सा ऐसे इरेज कर देंगे टी डब्ल्यू और यू इसको हम लोग को अरेंज करना है ठीक है तो इसको भी हम लोग अरेंज करेंगे यहाँ पर लेते हैं यू इज़ नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ एस यू जो है वो ऊपर नीचे एस के नहीं हो सकता जैसे अगर एस अगर किसी एक फ्लोर में होगा तो उसके ऊपर और नीचे क्या होगा यू नहीं होगा ठीक है ये इस वाले कंडीशन से पता चलता है तो ये पूरा मैंने पढ़ लिया है अब दोबारा क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है कंडीशन पर मैंने नोट कर लिया सारे ठीक है तो अब इसको देखते हैं देखिए यू डब्ल्यू और टी ये लगातार आना है ठीक है तो इसको हम लोग अरेंज करके देखते हैं ठीक है तो यू तो हम यहाँ रख नहीं सकते हैं यू अगर यहाँ रखेंगे तो डब्लू टी के लिए जगह नहीं है तो यू हम लोग यहाँ रखेंगे तो डब्लू यहाँ होगा टी यहाँ होगा ऐसे अरेंज कर सकते हैं और अगर हम लोग चेक करेंगे तो यू अगर हम यहाँ रखेंगे तो डब्लू रखेंगे तो फिर टी नहीं रख पाएंगे यू हम लोग को यहाँ रखना नहीं है और कहाँ हो सकता है यू यहाँ भी नहीं हो सकता तो यू के लिए सिर्फ एक ही जगह है यहाँ रख सकते हैं यू यहाँ रखेंगे तो यू के बाद क्या है डब्लू है फिर टी है डब्लू बीच में होना था तो डब्ल्यू यहाँ होगा और टी यहाँ होगा ठीक है तो इसको हम लोग मिटा देते हैं ऐसे हो गया और जो लास्ट पर्सन है वो फ्लोर नंबर सेवन पे यहाँ बैठ जाएगा ठीक है तो लास्ट पर्सन जो है वो फ्लोर नंबर सेवन पे बैठेगा तो लास्ट पर्सन कौन है तो लास्ट पर्सन एक जो है एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड जेड के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ था तो जेड जेड एट फ्लोर में है ना अच्छा रुक जी एस टी यू भी एस टी यू भी एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं दिया हुआ है तो वाई मेरा सेवन फ्लोर पे हो जाएगा तो वाई मेरा क्या हो जाएगा सेवन्थ फ्लोर पे हो जाएगा तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया ठीक है बहुत ही आसान था और इसी लेवल का क्वेश्चन देखने को मिला था पिछला साल पिछला का पिछला साल में ऐसा देखने को मिला था तो इस, इसी तरह का पैड पेपर होने वाला है क्योंकि फोर्टी फाइव मिनट में आपको पता है कि आपको करना है टोटल क्वेश्चंस जिसमें मैथ और रीजनिंग दोनों हैं तो मैथ और तो रीजनिंग दोनों को इसी फोर्टी फाइव मिनट में सॉल्व करना है तो रीजनिंग के टोटल क्वेश्चन होते हैं फोर्टी तो फोर्टी में बहुत ज़्यादा वेटेज जो है वो रीजनिंग का ही होता है तो बहुत ईजिली आप यहाँ से पाँच क्वेश्चन इसके बाद ये पाँच क्वेश्चन और रहेंगे मतलब पाँच क्वेश्चन इसी पे बेस्ट जो अभी हम लोग ने सोल्यूशन किया इस पर बेस्ट पाँच क्वेश्चन रहेंगे इसको आप लोग फिर ये जब सॉल्व हो जाएगा तो वो पाँच क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो बहुत ही ईजी लेवल का था और प्रैक्टिस करते रहिए जितना जल्दी आप लोग प्रैक्टिस पे अच्छा कर लेंगे कमांड हो जाएगा तो आप लोग का पज़ल फिर सॉल्व होना शुरू हो जाएगा तो फिर आपका प्लेयर नहीं नहीं रुकेगा प्री आपका इजिली क्लियर हो जाएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद